टीम इंडिया इस समय ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है, लेकिन लगातार भारतीय गेंदबाजों के इंजर्ड होने की खबर सिरदर्द बढ़ाती नजर आ रही है। पहले बुमराह इंजर्ड होकर के बाहर हो गए, उनका रिप्लेसमेंट आया नहीं था, तब तक दीपक चाहर जो है वो इंजर्ड हो गए, और अब उनकी जगह पर अब कौन खिलाड़ी आएगा, स्टैंड बाय में किसे ले जाया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक गेंदबाज जो कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के लिए जाने की बात हो रही थी, जो कि नेट बॉलर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया जाना था उनको, उसके बारे में चर्चा की जा रही थी कि वो गेंदबाज को अगर टीम इंडिया में शामिल किया जाए तो काफी शानदार होगा। जी हां, बात कर रहे हैं उमरान मलिक की, जिसके कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए हमने देखा है। और अब उमरान मलिक को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है ब्रेटली ने। जी हां, आपको बता दें ब्रेटली ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपके पास सबसे बेहतरीन कार है लेकिन अगर वो गैराज में है तो उसका कोई फायदा आपके लिए है नहीं, और उमरान मलिक वैसे ही शानदार कार है जिनसे कि अभी तक आप गैराज में लेकर के बैठे हुए हैं, यानी कि उसका कोई यूज आप नहीं कर रहे, फिर उस कार का कोई मतलब नहीं। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उमरान मलिक ऑस्ट्रेलियाई पिचेस में, जो कि हम भी मानते हैं कि वहां के पिचेस पर अगर आप देखें तो गति के साथ जो गेंद को डेक पे हिट करेगा, जो काफी गति के साथ गेंदबाजी करेगा, वो हमेशा से वहां फायदा उठाएगा। चाहे आप इंग्लैंड के गेंदबाज मार्कवुड को देख लें, नॉर्किया को देख लें, अफ्रीका के गेंदबाज, जो भी ऑस्ट्रेलिया में पटकी गेंदे करता है, ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी करता है, उसको बेनिफिट मिलता है। और हालिया दिनों में हमने जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज देखी है, जो चल रहा है, उसके अलावा जो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज हुआ दो मैच टी20 मैच का, उसमें भी हमने यही देखा। तो ऐसे में साफ तौर पर ब्रेटली का मानना है कि आपके पास देखिए 140 किलोमीटर की रफ्तार वाला गेंदबाज होगा और जो 150 किलोमीटर की रफ्तार का गेंदबाज होगा, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप इसको मौका दें, वो अगर खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो भारतीय टीम के लिए एक बड़ा अंतर वर्ल्ड कप में पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि बीसीसीआई क्या सोचता है, क्या अभी भी कोई मौका उमरान मलिक को लेकर के है टीम के अंदर में या नहीं है। लेकिन अभी तक के जो हालात टीम मैनेजमेंट को देख करके हमें समझ में आ रहा है, उसमें तो उमरान मलिक की जगह अभी फिलहाल नहीं बनती नजर आ रही है। अब ऐसा है कि चूंकि दो खिलाड़ी आपके स्टैंड बाई से चोटिल हो गया, दीपक चाहर, उनकी जगह पर एक खिलाड़ी को आप स्टैंड बाई में डाल देंगे, और एक खिलाड़ी बुमराह नहीं है तो बुमराह की जगह पर एक खिलाड़ी और आपके टीम के अंदर में शामिल होते नजर आ रहे हैं। अब ये दो गेंदबाजों के अलावा भी क्या कोई और परिवर्तन होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें ब्रेटली ने साफ तौर पर उमरान मलिक को टीम में शामिल करने की वकालत की। आपको क्या लगता है, क्या उमरान मलिक को टीम इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए शामिल कर लेना चाहिए था 15 सदस्यीय टीम में या नहीं, आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।